मैंने भी अपना कीमती मतदान दे दिया। ठीक ठाक है दादी जी, आए हमारे मतदान करने। अच्छा जी आप चल पड़े, ठीक है जी। भाई बड़ा भारी बोझा बना लिया इन्होंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो अभी सुबह के 6:30 हो गए हैं, साथ में है आज 1 तारीख। तो आखिरकार अपना वोट देने वाला दिन आ ही गया। फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं जौ काटने फिर से। आज मैं और गोयल जी को आज छुट्टी है। मैं अभी रोड में अपनी स्कूटी के पास बैठी हूँ, गोयल जी का वेट कर रही हूँ। गोयल जी ला रहे हैं घास काटने वाली मशीन, तो उससे ट्राई करेंगे आज जौ काटने की। अगर उससे हिसाब बना तो उससे काटेंगे, नहीं तो हाथ से ही काटेंगी। वैसे हम लोग 1 तारीख को सफाई भी करते थे लेकिन आज नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये को नहीं बोलना है, दर्शकों को बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस हम लोग खेत में पहुंच गए हैं, थोड़े से हैं यहाँ पे, इनको काटेंगे फिर जाएंगे निचली साइड को। मैं काट रही हूँ दराटी से ही हरे हरे, बस यहाँ से है थोड़े से हरे हरे, बाकी है पूरी तरह से पके हुए। बड़ा भारी बोझा बना लिया इन्होंने। तो गोयल जी जाएंगे बोझा छोड़ने घर को। उधर रहे हमारे जौ, हमारा जौ वाला खेत ये वाला है, चाचा जी वगैरह का, इन्होंने कुछ भी नहीं बीजा था यहाँ पे। तो अब काटेंगे हम लोग यहाँ वाली जौ नीचे। तो बस इतने से जौ काट लिए हम लोगों ने, अभी काफी सारे हैं नीचे को। एक हाथ में है मेरे दम, बड़े बड़े बोझे उठा रहे हैं गोयल जी। 11:30 हो गए हैं, अभी हम लोग घर को जा रहे हैं। ऊपर से धूप भी लगी हुई है, साथ में हमें भूख भी लगी। वो मम्मी जी को आना है जूब देने हैं, क्या ही बोल रही हूँ मैं, वोट देने। हम लोग भी आएंगे खाना खुना खा के वोट देने। तो शाम के टाइम हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पे जौ काटने। तो चलिए गाइस घर चलते हैं, मैं ले चलूँगी मशीन। मशीन से कुछ मज़ा नहीं आ रहा है तो इसलिए हम लोगों ने हाथ से ही काटे। फोटो ले रही थी आपका। तो गाइस हम लोग घर में पहुंच गए हैं, यहाँ पे सभी बच्चे बैठे हुए हैं, टीवी पे राइम्स देख रहे हैं। ये है गीशिका रानी और ये रही सिमोन रानी, साथ में है ये रबू और ये है सचित, साथ में है हमारे पड़ोस वाला सुशांत। हमारे घर के सभी लोग वोट दे के आ गए। ये रहे सिमोन के मम्मा जी, इन्होंने भी वोट दे दिया। मोटी दीदी भी आ गई है वोट देने, दिलू दो वोट। देखिए मोटी दीदी ने मतदान किया। तो गाइज ये रहा गाहर स्कूल, यहाँ पे हो रहा है मतदान। हाँ जी जनता क्या बोलती है? हाँ जी मतदान हो गया। नहीं नहीं खेर दिला का, हाँ हो गया जी मतदान। देखिए दादी जी भी आ गए मतदान करने। दादी जी आए हमारे मतदान करने। ओके भीड़ नहीं है तो सभी यहाँ पे वोट देख के जल्दी फ्री हो रहे हैं। क्या ये प्रूफ चाहिए इनको, आज की अटेंडेंस लगेगी इन लोगों की। दिखाओ दिखाओ अपना स्याही दिखाओ आज की। तो गोयल जी ने भी मतदान कर लिया, मैंने भी अपना कीमती मतदान दे दिया। अभी चलेंगे हम लोग घर को क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है। देखिए जी दिखा रहे हैं कि इन्होंने भी अपना कीमती मतदान दे दिया। यहाँ से बैठे सारे लोग फोटो लिया है। चलो तो गाइस हम लोग मतदान करके पहुँच गए घर में, अब उठाएंगे जो। ऊपर ताई जी और सुरेश जी उठा रहे हैं अपने जो, ये वाले हैं हमारे। 15 मिनट है अभी हमारी मीटिंग स्टार्ट होने में, तब तक हम लोग ये उठाए वाले हैं हमारे ऊपर वाले इनके। तीन 3:10 हो गए हैं, हम लोग आए मीटिंग करने के लिए। गोयल जी वगैरह ऊपर इकट्ठा ही कर रहे हैं, तो सारी आ चुकी है बेचारी, हमारा इंतजार कर रही थी। अरे भाई मियां बच्चू भी आ गया मीटिंग करने के लिए, मेरे बाद लगी सुताई थी। नमस्ते अभी की थी भाई तू, मैं सारे आ गए हम लोग। ताई जी बोला कि फाड़ना फूडना बोला फाड़ा के मानी तो आपको मैं सब दो तीन चेता ना।
हाँ ताई जी ने तो किया है, चित्रमणि जी ने भी किया है, अलीवासी ने भी किया है। मैंने पहले भी दिखाया था इन्होंने भाई। वो जी आप भी दिखाओ। हम सभी महिलाओं ने अपना कीमती वोट दे दिया है। हाँ जी मजा आ गया आज की मीटिंग में। पार्टी कब कराएंगे आप? पार्टी तो करानी चाहिए ना आपको। बाल्टी चाहिए बोले इनको। बाल्टी पार्टी चाहिए। कल आऊंगी मैं बड़ी सी बाल्टी खरीद के। आप तो बोल ही नहीं सकते हैं। डबल खाई ही है। आपने खिलाई है। आपको भी घर में दी थी। घर में तो गाइस इनके लिए पार्टी आ गई जो मेरे पास था भाई उसी की पार्टी करवा रहे क्या भाई जी की जाए लोड़ी बोला। मौसम अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है। नहीं शांति से हुई नहीं सेल्फ सर्विस लो जी। थैंक यू। ਇਸ ਚਾਤੀ ਖਾ ਰਾਣੂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਯਾਰੋ ਯਾ ਦੇਂਗਾ ਯੂ ਸਿੰਘੋ ਯਾਦੋ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੋਈ ਡੋਨੇ ਤੇ ਖਾਤੇ ਨੀ ਗਾਇਜ਼ ਮਾਰੇ ਜੋ ਲਾਈ ਕੋਰਾ ਬੋਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਂਡਾ ਬੋਲੋ ਅੱਛਾ। अब घर में जाके बड़े पंखे के साथ इसकी आपने कुछ पहले बोला भी है दूर दूर से बोलो मेरे को यहाँ सुनाई नहीं दिया बोलो खा मंडू ठीक है। अच्छा जी आप चल पड़े। हाँ ठीक है जी। एक की तो हो गई पैकिंग दूसरे अपने अपने बोर की पैकिंग कर रहे हैं। ये है इस जौ का घास। तो गाइस बस थोड़े से जौ हमारे पास इकट्ठे करने को रहे घास उधर इकट्ठा करके रखी है। एक बोझ मैं घर ले गई हूँ तो इसके बाद हम लोग घर जाएंगे। घर जाके चाय पियेंगे फिर जाएंगे फिर से जौ काटने। मैं और गोयल जी मम्मी जी को रखेंगे गिशी को देखने। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। होप करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय बाय।